तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम दोबारा से खेलने जाने वाले हैं डोरेमोन। तो गाइस आप लोगों को याद होगा कि पिछले वाले एपिसोड पे ना हम एक किले को नष्ट ही करते जा रहे थे, तो वहाँ पर गाइस उस किले में एक मॉन्स्टर था तो हमने उसे मार दिया था। अब हम आ चुके एक और दुनिया में, तो चलो इस दुनिया में पता नहीं गाइस कौन से मॉन्स्टर्स वगैरह मिलते हैं, कौन कौन से विलन्स होते हैं, तो ये सब देखने के लिए आपको आज मिलेगा। ओके गाइस, तो प्लीज़ बने रहिए वीडियो के एंड तक क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है वीडियो में, है ना। तो आप लोगों की तो वैसे फेवरेट वीडियो होती है ये डोरेमोन की, तो आप लोग प्लीज़ गाइस बिल्कुल सपोर्ट करना बनता ही है आप लोगों, है ना। तभी मैं और भी ऐसे मज़ेदार वीडियोस लेके आऊँगा गाइस। क्या इस साल मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो पाएंगे कि भी नहीं, एक बार गाइस आप लोग कर दो ना 1000। प्लीज़ आइए अपना टारगेट पूरा कीजिए, हम भी अपना और भी इंटरेस्टिंग फनी वीडियोस लाने का टारगेट हम पूरा करते हैं। ओके, तो चलो अभी मैं उड़ते उड़ाते यहाँ पर आ चुका था। अब इस अंधेरी गुफा में क्या है राज, चलो आगे पता करते हैं। तो यहाँ पर सुनियों ने अपनी बड़बड़ाती हुई जुबान से हमें मोटे जियान को बुलाने के लिए कहा। वही मोटे जियान, ये क्या बादलों की दुनिया में आ चुके हैं गाइस, हम तारों के शहर जाने वाले हैं क्या यहाँ पर, तो चलो देखते हैं क्या होता है। ये हम यहाँ से कूद काद करते हुए आसमान, अरे भाई साहब बहुत ही ऊंची छलांग लगा दी अपने मोटे जियान ने, पर इसकी जगह गाइस मुझे बुलाना था अपने नोबिता को, वो काफ़ी अच्छा लंबा लंबा फेंकता है, लंबा है मैडम लंबा करके वो फेंकता रहता है। तो चलो अभी, अरे भाई मेरे तू तो ऐसा ही बहुत ख़तरनाक सी छलांग लगा रहा है यार। अरे यार मोटे चढ़ ना, क्या हो रहा है तुझे गाइस, ये मोटा मुझसे पिट के जाएगा लग रहा है सर। ओए मोटे जियान आराम से चढ़ियो, हालांकि तू तो वजनदारी पेलता है कार्टून में सिर्फ गाइस, हकीकत में तो हम इसको पेल के रख दिया। अरे यार गाइस पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पर, ये मोटा जियान ना बहुत भाव खा रहा है, बिल्कुल कतई लड़की बन रहा है ये तो, छोटी सी छलांग नहीं लगा पा रहा। ये गाइस, अरे भाई भालू तुम हमें कहाँ मानने आए। तो यहाँ पर गाइस ये वाला गेम तो मुझको काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार लग रहा है, इसने तो मुझे ना बिल्कुल सुपर मारियो की याद दिला दी यार, बिल्कुल पुराने दिन याद आ गए हैं मुझे तो फिलहाल। अभी ये कौन सा वो है यार, इस पे नीचे चाबी लगी हुई है, चाबी बंद हुई और हमारी वाट लगी। भाई डॉग्स भी हवा में क्या कर रहे हो यार, तेरा कितना प्यारा डॉग है, ये हवा में क्या कर रहा है बाबू, पता नहीं गाइस। ये अरे भाई इसने कुछ बबल फेंके, अरे मैं इसके ऊपर जा सकता हूँ क्या, वाह क्या कारीगरी है यार, कौन सा बबल फुलाता, कौन से अंबुजा सीमेंट से बबल फुलाता है यार ये। अरे भाई ये हेल्थ को मैं कैसे लूँ, हेल्थ के चक्कर में मेरे आले ना पड़ जाए, तो रुक जाओ गाइस बच गया मैं, रहन दो हेल्थ वेल्थ के चक्कर में कहीं मेरी हेल्थ ना डाउन हो जाए। हम वहाँ से नहीं जाएंगे गाइस, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ मैं पहुँच पाऊँगा क्या, चलो रहन दो गाइस बिल्कुल रिस्क नहीं ले रहे। अरे बाबा क्योंकि बड़ी मुश्किल से पहुँचा हूँ मैं, अब ये कौन से इंस्ट्रूमेंट, अरे भाई साहब इंस्ट्रूमेंट पे छलांग देख रहे हो क्या, ही लंबी लग रही है स्पाइडरमैन, अरे भाई पकड़ ले। अरे भाई डोरेमोन का मैंने खा लिया है डोरा केक, अब हम लेंगे उसके मजे अनेकों अनेक। और ये बॉम्ब कौन फेंक रहा है हमारे ऊपर, एक बार आ जाने दो हमें ऊपर, फिर तुझे कर देंगे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, क्या भाई क्या ही बोलता रहता हूँ मैं भी यहाँ पर। अरे भाई बच गया। और भी है क्या, अरे ये कौन सा कीड़ा था, अरे बाबा सॉरी रे उस्ताद माफ़ कर दीजिए, ओ ये कहाँ आ गए गाइस, मैं ऊपर की तरह मैं तो नीचे कूदा जा रहा हूँ, पता नहीं कहाँ आ गया हूँ मैं। अरे भाई मेरे को डर लग रहा है कि मैं बिल्कुल से आउट ना हो जाऊँ, लोग तुम्हारा भाई गाइस पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है कि मेरी वाट लगने वाली है और लगी गई। गाइस जितनी सरल स्टेज दिख रही है ना उतनी सरल है नहीं, बार बार पता नहीं क्यों ये हो रहा है, ऊपर की तरफ मैं नीचे आता है, बिल्कुल फोकस होके अब मैं खेलूँगा देखना, बिल्कुल भाई यहाँ पर मुझे फोकस की ज़्यादा ज़रूरत है। और अभी ये डॉग को कौन सी दिव्य शक्ति मिल चुकी है जिससे कि वो बॉम्ब हवा में लेके उड़ रहा है, मुझे भी तो वो बॉम्ब, मैं भी उड़ के जाऊँगा। मेरे को लग रहा था डोरेमोन को हमें बुलाना था क्योंकि इसके बैम्बू कॉप्टर से हम डायरेक्ट ऊपर ही पहुँच जाते, तो मैं आ चुका हूँ बिल्कुल यहाँ पर, और कतई तू गोली चला रहा था ना हम पे, आके ठोका ना तुझे, यहाँ पर कहीं सब्र का फल बिल्कुल मीठा होता है, आओ और ठोक के जाओ उसको। ये मैं कौन से आ चुका हूँ ये, तो गाइस मेरे ख्याल से फाइनली हमें यहाँ पर ही पहुँचना था,
तो ये वाली स्टेज तो कंप्लीट हो चुकी है, मुझे काफ़ी मज़ा आया। अब मैं लूँगा प्यारी से रूका को, ये हमने उसे ले लिया है। अब गाइस देखना ये है, अरे भाई साहब ये बादल तो चल रहे हैं और ये भी बिल्कुल सुपर मारियो जैसा फन आ रहा है मुझे तो अभी। और ये शिदुका भाई साहब, शिदुका की स्कर्ट उठा डाली है, ए नॉटी बॉय। अरे भाई भाई भाई, नॉटी बॉय तो हो गया बिल्कुल ख़त्म। तो यहाँ पर गाइस क्या हो रहा है अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे भाई तू कौन है रे बाबा, कौन सा जानवर है? पिटने का शौक है, मरने का शौक है, तो तुम लोग मरो ना, हमें क्यों लेके डूब रहे हो? तो गाइस ये वाली स्टेज में ना होता कुछ ऐसा है कि ये बादल नीचे जाते और इस पर ना हमें फास्ट भी नहीं जाना और ज़्यादा स्लो भी नहीं जाना है, नहीं तो गड़बड़ कुछ ऐसी होती है ये वाली स्टेज में। तो चलो आप लोगों को मैं इसे पार करके दिखाता हूँ। बिल्कुल मैं तो आउट इसलिए हो रहा था क्योंकि आप लोगों को मज़ा आए थोड़ा बहुत, अरे नहीं तो हम तो ऐसे ही पार करते अभी। कैसा लगा गाइस मेरा मजाक? बिल्कुल भी सरल नहीं है ये स्टेज, काफ़ी हार्ड है ये भी। ये देखो बादलों की रफ्तार कुछ इतनी ज़्यादा हो जाती है ना कि भाई मैं इसे देख भी नहीं पा रहा हूँ कि मैं कैसे पार करूँ मैं इसे। ये मैं यहाँ पर आ चुका हूँ गाइस। अब मुझे वो, अरे बहुत सही यार, पहली बार उस्तादों ने इतना बढ़िया काम किया कि मैं डायरेक्ट वहाँ पर पहुँच गया हूँ जहाँ पर मुझे पहुँचना था। और ये कौन सा कीड़ा है रे, तू बार बार आ जाता है गाइस पिटने के लिए। बहुत हाइट पर आ चुका हूँ, अब मुझे नीचे बिल्कुल भी नहीं गिरना है। तो ये और तुम लेखो मेरा ये। और गाइस मैं अभी यहाँ पर आ चुका हूँ। अब भाई साहब थोड़ा सा रेस्टिंग का, इसमें ना रेस्ट लेने का बिल्कुल समय नहीं मिल रहा है गाइस, नहीं तो अपन थोड़ा सा रेस्ट ले सकते। इसमें ना कंटिन्यू मुझे भागते ही जाना जब तक मेरी मंजिल ना आ जाए। और पता नहीं शिजुका की कौन सी मंजिल है ये यहाँ पर। ये मैं आ चुका हूँ, इसको मैंने मारा है, ये ऊपर बहुत हाइट पर आ चुका हूँ गाइस। और ये पता नहीं कौन सा कीड़ा था, उसको मारा तो वो गायब ही हो गया। ओ भाई साहब ये, अब मुझे ये वाले प्लेटफॉर्म को छोड़ के मुझे यहाँ पर आना है। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है रे बाबा? ये भाई बहुत नीचे मुझे जाना पड़ेगा, पर बहुत मुश्किलों के बाद मैं दोबारा से आ चुका हूँ यहाँ पर। ये लो हम फिर से आ चुके हैं गाइस, पर इस बार मुझे ना ऊपर वाला प्लेटफॉर्म, इस पर यही दिक्कत है ना गाइस कि मुझे ना पहले दिखता नहीं है कि कहाँ पर कूदना है, और मैं वो चीज़ें को पहले ही करके रख देता हूँ तो मुझे फंस जाता हूँ मैं। तो इस बार हम इसे ना बहुत ईजिली वे में कर देंगे। ऐसा क्यों लगता है कि मुझे बस होने ही वाला है कंप्लीट? ऑलमोस्ट गाइस हमने इसे कंप्लीट ही कर दिया है। अब मुझे यहाँ से इसके ऊपर बादलों के ऊपर जाना है। ये बादलों के ऊपर कौन रहता है रे बाबा? ये डॉग, चल निकल यहाँ से। तो हमने गाइस डॉग को मार दिया है। अब मुझे इससे आराम से बहुत बढ़िया। मैं तो थोड़ा सा डर गया था यार, क्योंकि वो जो है ना गाइस, पर क्या पता उसके ऊपर जाना हो और मैंने पहले ही उसे फोड़ के नीचे गिरा दिया हो, तो दिक्कत ये फंस जाती है गुरु, अदरवाइज ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये हमने शिजुका रवानी ने भी इसे बहुत ही ईजली वे में पार कर दिया है, है ना? तो गाइस अब देखते, अरे भाई साहब ये कौन सा गुरल्ला उस्ताद आ गया? तू बेटे अब तू शिजुका से बच नहीं पाएगा, क्योंकि शिजुका बहुत ही मारती है यहाँ पर। दबा दब दबा दब दबा दब दबा दब दबा दब। ये लो गाइस इस गुरल्ले को देखो कैसे अपनी छाती पे ठोक रहा है अब। अरे भाई साहब ये तो बिल्कुल कतई वो बना चाइनी चौक टू चाइना बन रहा है रे तू, तो यहाँ पर टोपी ओपी फेंक के मार रहा है यहाँ पर। अच्छा हुआ फुल कपड़े नहीं पहन गया, नहीं तो पता नहीं क्या क्या फेंक के मारता है ये। तो यहाँ पर गाइस अभी मैंने इस बंदर की टोपी पे मारा है हमने हमला, और ये मर क्यों नहीं रहा यार? इतना इसको मारने के बावजूद तू मर क्यों नहीं रहा है? मैंने इतनी गोली चला दी है। ये देखो गाइस इसके सर में टकले पे कूदे पड़ा हूँ मैं, पर इसको कुछ असर ही नहीं हो रहा है यार। अपनी शिजुका रानी की पूरी हेल्थ चूस के रख दिया है। अरे भाई तू मर क्यों नहीं रहा है ताऊ? इसमें अपनों विश्वास नहीं मानूंगी, मैं लिटरली एक मिनट से भी ज़्यादा इसे मारने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं तो अदरवाइज ऑलमोस्ट सारे बॉसेस मर जाते हैं जल्दी। पर ये वाला पता नहीं कौन सा ढीठ प्राणी है, ये मरने का नाम ही नहीं ले रहा है। तू आ आ, तेरा सर फोड़ूंगा मैं, तू आ आ, अरे तू आ आ, तेरा सर फोड़ूंगा मैं, आ आ। ये अरे यार गाइस पता नहीं है क्यों नहीं मर रहा है।
तो चलो हम इसे नेक्स्ट एपिसोड पे मारेंगे गाइस। इसने तो मेरा दिमाग ही ख़राब कर दिया। इसे मार लेने दो जितना मुझे मारना है, हम इसे नेक्स्ट एपिसोड पे मारेंगे। ओके गाइस, तो आई होप सो कि आपको ये वाली वीडियो में मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया गाइस प्लीज़ वीडियो के लिए लाइक कीजिए, कमेंट बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और नए गेम पर वीडियो चाहते हो वो भी मुझे कमेंट करके बताओ। ओके गाइस, तो चलो तुम्हारा भाई मिलता है और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए बाय।